थोड़ा सा अलग अच्छा और अट्रैक्टिव दिखना चाहते हो ना, तो देखो यार आपको अपने स्किन केयर, हाइजीन, फैशन और ग्रूमिंग पे थोड़ा सा ज्यादा और अच्छा सा ध्यान देना पड़ेगा बाकी लोगों से। देखो कुछ तो ऐसी बजट वाली चीजें होती है, 10-20 रुपए की अफोर्डेबल होती है ना, जो हमारे पास में होनी चाहिए, जो हमें पता नहीं होती है, बट वो बहुत ही ज्यादा बड़ा रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में, हमको और भी ज्यादा अच्छा दिखाने में। तो ऐसी कुछ चीजों के बारे में आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, जो एक्चुअली आपके पास में होनी चाहिए, जो पहले मेरे पास भी नहीं थी, बट धीरे धीरे करके मैंने वो सारी चीजें अभी अपने पास में कर ली हैं, और उनकी वजह से वाकई में बहुत ज्यादा फर्क आता है। आप वेल ग्रूम्ड लगते हो कुछ चीजों की वजह से, कुछ चीजों की वजह से आप अट्रैक्टिव दिखते हो। तो बिना ज्यादा देरी करते हुए जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इससे। एक्चुअली ये नेल्स पे यूज करने वाले औजार है, एक्चुअली नेल फाइलर है और नेल कटर है। देखो आप लोग हमेशा मुझसे बोलते हो ना कि आजकल तुम अपने नेल्स की केयर कैसे करती, क्योंकि आपको मेरे नेल्स पसंद आते हैं क्योंकि वो काफी नो क्लीन और अच्छे रहते हैं। तो आप लोग पूछते हो कि क्या करती हो, कैसे सारी चीजों को फॉलो करती हो, एक रूटीन उसके लिए बता दो। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक हैक सिंपल सा बता दी हूँ नेल्स को अच्छा करने के लिए, और जो कि वो वाली चीजें आपके पास में भी होनी चाहिए जो मैं यूज करती हूँ। जैसे कि देखो नेल कटर तो ऑब्वियसली हमारे पास में होना चाहिए अपने नेल्स को सेट करने के लिए, उनको कट करने के लिए, ट्रिम करने के लिए। जब भी आपको लगे आपके नेल्स गड़बड़ हो गए हैं, कहीं उनमें कट लग गया, तो आप नेल कटर की हेल्प से उसको कट कर लो ना। अभी क्या है, देखो जो नेल कटर होता है ना उसमें ये फाइलर दिया होता है, बट वो किसी काम का नहीं होता है, क्योंकि उससे अगर आप नेल्स कैसे फाइल करोगे ना, आपके नेल्स एकदम खुरदुरे से हो जाएंगे, तो जल्दी टूट जाएंगे। तो इसका कोई मतलब नहीं है, बस ऐसे यहाँ दे दिया होता है कि चलो इसमें नेल फाइलर है। इसकी जगह आपको क्या करना है, एक दूसरा नेल फाइलर आपके पास में होना चाहिए। इस तरीके की चीजें मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, ये नेल फाइलर से आप क्या करो, नेल को कट करने के बाद में अच्छी तरह से सेट कर लो, जिससे कि जो खुरदुरापन हो आपके नेल्स का वो पूरी तरह से रिमूव हो जाए और आपके नेल्स अच्छी तरह से सेट हो जाए। सेकंड चीज हमारे पास में होना चाहिए लूफा। देखो पहले मुझे इसका नाम नहीं पता था, मुझे ये मैंने देखा था एक्चुअली टीवी पे, और मैंने इसके बारे में पढ़ा था कि हाँ इसको यूज करना चाहिए बॉडी पे, बट मेरे को इसका नाम याद नहीं रहता था। मैं सोचती थी कि कहीं पे जाते थे मार्केट में कि काश कि मुझे ये दिख जाए, मैं ले लूंगी, भैया से कह दूंगी भैया ये चीज मुझे उठा के दे दो, 10-20 रुपए का आपको इजीली मिल जाएगा ये। बट धीरे धीरे मुझे आदत पड़ गई इसके नाम की, और मुझे पता चला कि हाँ इसको लूफा बोलते हैं, बट ये बड़े काम की चीज है। जब आप इसे डेली नहाओगे ना, इसके यूज से स्क्रब करोगे, देखो डेली तो मैं नहीं बोलती हूँ कि आपको स्क्रब करना चाहिए, नो एक्सफोलिएट करना चाहिए आपके स्किन को, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी हार्श होता है हमारे स्किन के लिए, बट ये हार्श नहीं होगा। अगर आप इसको जेंटली आपके स्किन पे, आपके फेस पे, आपकी पूरी बॉडी पे यूज करोगे ना, ये हार्श भी नहीं होगा, आपकी स्किन को डैमेज किए बिना आपकी स्किन की गंदगी को रिमूव कर देगा, और सीरियसली बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करता है। हर चीज देखो सिंपल सी एक चीज है, देखो कॉम तो सभी लोग यूज करते हैं, बट राइट कॉम यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आपको ऐसे कॉम कभी यूज नहीं करने हैं जिनके ब्रिसल्स काफी ज्यादा क्लोज हो और काफी ज्यादा थिन हो, क्योंकि उसकी वजह से हेयर फॉल होता है और वो कहीं ना कहीं स्कैल्प को भी बहुत ही ज्यादा डैमेज कर देता है। आपको ऐसा कॉम यूज करना है जिसके ब्रिसल्स थोड़े से गैप पे हो, वो आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करके देंगे, साथ में उसकी वजह से स्कैल्प डैमेज नहीं होगी और अच्छी तरीके से आपको बालों को सुलझा भी देंगे। तो मेरे पास कई सारे एक्चुअली भी कॉम हो गए हैं ये वाले, और ये काफी सही रहते हैं और सेफ भी रहते हैं, और कॉम अगर गलत हुआ ना तो उसकी वजह से भी आपको हेयर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। और साथ में देखो आपके पास में अच्छी अच्छी लिपस्टिक्स के शेड्स भी जरूर होने चाहिए, क्योंकि लिपस्टिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है अगर आपको आपके चेहरे को अच्छा दिखाना है इंस्टेंट। तो अगर आप मेकअप पे कुछ भी नहीं अप्लाई कर रहे हो और आपको आपके चेहरे को अच्छा करना है, बस आप हल्का सा कोई लिप शेड अप्लाई कर लो आपके लिप्स पे, इंस्टेंट आपके चेहरे पे आपको बहुत ज्यादा फर्क एक्चुअली दिखेगा। और इसी वजह से कहीं ना कहीं लिपस्टिक मेरी फेवरेट है, और मेरे पास बहुत सारे शेड्स होते हैं, और क्योंकि मेरे लिपस्टिक के शेड आपको काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं, आप लोग पूछते रहते हो, तो आज की वीडियो में मैं आपको मेरी कुछ नए लिपस्टिक शेयर करने वाली हूँ, मेरा न्यू लिपस्टिक का कलेक्शन। फिलहाल इस टाइम पे जो लिपस्टिक मेरी फेवरेट है वो है ये मामा अर्थ की लिपस्टिक, मामा अर्थ की ये सॉफ्ट मैट लॉन्गस्टेल लिपस्टिक। और आप तो जानते हो कि मामा अर्थ के कितने सारे प्रोडक्ट्स मैंने यूज करना स्टार्ट कर दिया, और मेकअप प्रोडक्ट्स तो बहुत सारे मेरे पास अभी है जो मैं इनको यूज करती हूँ, तो इनपे किसी भी हार्श केमिकल का यू नो पैराबेन, सिलिकॉन, सल्फेट वगैरह नहीं होता है, तो इजीली इनको यूज कर सकते हैं ऑल स्किन टाइप्स के लिए। एंड डेली बेसिस की अगर बात करें तो डेली भी हम इनको इजीली यूज कर सकते हैं, डर्मेटोलॉजी टेस्टेड होते हैं, वाटर प्रूफ, स्पंज प्रूफ है लिपस्टिक, तो ये इसी वजह से मुझे अच्छा लगता है, और 12 आवर्स तक ये स्टे भी करती है, इतनी जल्दी रिमूव नहीं होती। और ये चीज तो वाकई में है, क्योंकि जब लास्ट ट्रिप पे मैं गई थी बनारस की, वहां पे मैंने यही वाली लिपस्टिक यूज करी थी, और यू नो मैं खा पी भी रही थी बार बार बहुत सारी चीजें, बट वो लिपस्टिक नहीं निकल रही थी, तो ये सारी चीजें मुझे अच्छी लगती है। और इसमें बहुत सारे शेड्स आपको मिल जाएंगे, मेरे पास 9 शेड्स अभी है, क्योंकि इसमें
जजोबा ऑयल विटामिन ई का यूज किया गया है तो ये आपके लिप्स को सॉफ्ट करेगा, स्मूथ करेगा एंड आपके लिप्स को मॉइस्चराइज करने में हेल्प करेगा। ये देखो मैट लिपस्टिक है बट इनको लगाने के बाद मैं लिप्स को बिल्कुल भी ड्राई नहीं करता। तो अगर आप इन लिपस्टिक्स को लेना चाहते हो ना तो इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। वैसे ही आपको इजिली अमेजोन आएगा, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगे, बट जहाँ से मैंने लिया था वो लिपस्टिक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप इनको बाय करना तो यूज कर लेना कूपन कोड AS2023 तो आपको 20% का ऑफ भी मिलेगा। और मामाअर्थ वाले एम कर रहे हैं 2025 तक 1 मिलियन ट्रीज प्लांट करने का, जो कि यार काफी ज्यादा अच्छा इनिशिएटिव है और उनकी ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है। और अभी तो सिर्फ 2 साल बाकी है तो देखते हैं क्या होता है, बट हाँ ये चीज मुझे अच्छी लगती है इनकी। और मामाअर्थ का स्टोर भी हो सकता है आपके घर के आस पास। मतलब पहले तो ऐसा था कि सिर्फ ऑनलाइन ही मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स मिलते थे, आपको कुछ भी लेना हो तो ऑनलाइन ऑर्डर करो 2-3 दिन में आ रहा है, बट अभी ऐसा नहीं है, आपके घर के आस पास ही हो सकता है मामाअर्थ का कोई स्टोर हो। तो अगर आपको कहीं दिखता है तो मुझे बताना कॉमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट चीज देखो, आपके पास में एक मिरर जरूर होना चाहिए। मतलब जरूरी नहीं कि आप यही वाला लो या फिर सेम ऐसा ही लो, एक क्लीन मिरर हो जिसको आप कहीं पे भी रख सको, उजाले में भी लेके जा सको जहाँ पे रोशनी हो, और उसकी वजह से फिर आप आपके चेहरे को अच्छी तरह से देख सको। देखो लोगों के घर में कई बार ऐसा होता है, मेरे वहां भी पहले ऐसे थे कि ऐसे मिरर होते कि एक ही जगह पे फिक्स होते, वहां पे लाइट भी सही से नहीं होती है, यू नो हम अंधेरे में अपने चेहरे को देखते, कहीं पे कुछ भी मेकअप अप्लाई कर लेते और बाहर जाके धूप में देखते हैं, रोशनी में देखते तो चेहरा एकदम बेकार लग रहा होता है, तो वो समझ में नहीं आता है। बट अगर ऐसे टाइप के आपके पास मिरर होंगे ना, आप उसको कहीं भी रख सकते हो, इवन ट्रैवलिंग में भी आप इसको आराम से कैरी कर सकते हो, बस इस ऊपर वाले पार्ट को अगर आप रख लो तो, और बढ़िया कहीं पे भी लेके चले जाओ और रोशनी में भी आप इसको रख के आराम से आपको मेकअप कर सकते हो और यू नो क्लियरली आपको समझ में आएगा आप कौन सी चीज कहाँ पे अप्लाई कर रहे हो। तो ये आई थिंक एक मिरर आपके पास में अच्छा सा होना चाहिए और अगर उसमें लाइट लगी हो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। इसके अलावा आपके पास में अच्छे रेजर होने चाहिए। देखो मेरे पास में इतने सारे रेजर है, इसमें फेशियल रेजर भी है, पिकनी रेजर भी है, यू नो बॉडी रेजर भी है, बट आपको एक चीज का ख्याल रखना है कि मैंने पहले ये वाला रेजर यूज किया हुआ है, ये आपको नहीं लेना है क्योंकि इसकी जो ब्लेड होती है ना वो काफी ज्यादा एक्चुअली शार्प होती है और इसकी वजह से मुझे मेरे फेस पे कई बार कट भी लगा है और ब्लड निकला है, तो बहुत पेन भी हुआ है और वो सेफ भी नहीं होता है, कभी जंग लग जाए और आप यूज कर लो यू नो कितना ज्यादा उसका बुरा असर पड़ सकता है। तो इस वजह से आपको ये वाले रेजर्स गलती से भी यूज नहीं कर रहे हैं, मैं ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बट ये वाले रेजर्स एक्चुअली मैंने यूज किए हुए। आपको ऐसा रेजर यूज करना है जो स्टेनलेस स्टील से बनाया गया है, क्योंकि उससे क्या होता है जब आप उसको स्किन पे यूज करोगे तो इतना ज्यादा खतरा नहीं रहता है और इसकी वजह से मुझे मेरे फेस पे एक्चुअली कभी कट लगा ही नहीं है और ये कंप्लीटली सेफ भी रहता है। तो यस आई थिंक आपको ऐसे रेजर में आपके पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। नेक्स्ट देखो, आप सभी के घर में मुल्तानी मिट्टी का पैकेट तो भाई देखो जरूरी होना चाहिए, अगर ये आपके घर में नहीं हुआ तो मतलब क्या ही फायदा फिर आपके घर का। देखो सीरियसली बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, मैंने बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स के बारे में सुना है, आपने भी सुना होगा कि वो सूट नहीं करता है, उसका साइड इफेक्ट हुआ या फिर वो अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है, बट मुल्तानी मिट्टी के बारे में मैंने कभी नहीं सुना कि उसकी वजह से कोई स्किन पे प्रॉब्लम हुई हो या फिर उससे अच्छा रिजल्ट ना मिल रहा हो, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी मतलब बेस्ट होती है और सीरियसली मेरी फेवरेट है और इसकी वजह से मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला और मैं बहुत सालों से एक्चुअली इसको यूज़ कर रही हूँ और अभी तक ये मेरी प्रिय सखी है। तो आपके घर में ही होना चाहिए। और इसको यूज़ करने की अगर बात करें तो देखो आप इसको बहुत तरीकों से यूज़ कर सकते हो, मतलब पानी भी डालो, सिर्फ ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। इसको तो मैंने सालों तक यूज़ किया है, सिर्फ मुल्तानी मिट्टी को हाथ पे लेके बॉल पे लेके पानी ऐड करके चेहरे पे लगाया और कमाल का रिजल्ट इसने दिया है। या फिर आप और क्या कर सकते हो, आप टोमेटो जूस ऐड इसमें कर लो, या फिर अगर आपको वो सूट नहीं करता आप हनी ऐड कर लो, अगर वो सूट नहीं करता आप मिल्क ऐड कर लो, ड्राई स्किन है तो मिल्क या फिर कर्ड ऐड करके इसको यूज कर सकते हो, मतलब कुछ भी इसमें मिला के यूज कर लो, रिजल्ट तो आपको मिलना ही मिलना है। किसी और चीज से आपको भले अच्छा रिजल्ट ना मिले, मुल्तानी मिट्टी आपको जरूर अच्छा रिजल्ट देगी, बट इसको कंटिन्यूसली यूज करते रहना होगा। ये नहीं कि एक दिन यूज किया 4 दिन आप लगा ही नहीं रहे हो तो फिर थोड़ी ना फायदा मिलेगा। ओके नेक्स्ट, आपके पास में देखो स्टीमर जरूर होना चाहिए। देखो बाउल वाला जो मैं आपको प्रोसेस बताते आई हूँ स्टीम के लिए, वो कमाल का होता है, सब कुछ हो जाता है, बट कहीं ना कहीं कुछ चीजें उसमें भी नहीं हो पाती और उसको भी करने में बहुत ज्यादा तामझाम होता है और कई बार मैं जली भी हूँ उसकी वजह से, गर्म पानी में लेके आई, मेरे पैर पे गर्म गर्म खौलता हुआ पानी गिर गया तो बड़ी क्या बोलते हैं दुर्दशा हो गई मेरी। तो वो सारी चीजें अवॉइड करने के लिए आपके पास में आई थिंक एक स्टीमर होना चाहिए, ये भी अफोर्डेबल प्राइस पे आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐसा करना नहीं, भले कुछ ना हो आपके पास स्किन केयर से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट ना हो, बट सनस्क्रीन तो मस्ट है, ये तो मतलब होनी ही चाहिए आपके पास में और यूज भी करते रहना चाहिए। स्किन टाइप के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, SPF का ध्यान देना है, कितने SPF उसमें है,
पीए के ग्रेड का ध्यान देना है कि उसमें कितना पीए प्लस 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 दिया गया है। आपके स्किन टाइप के अकॉर्डिंग आपको यूज करनी है। नेक्स्ट देखो, आपके पास में पर्स जरूर होनी चाहिए, बहुत ही यूजफुल होती है। एक्चुअली पहले मेरी भी आदत नहीं थी पर्स वर्स कैरी करने की, मुझे बहुत ही बोरिंग तो नहीं कह सकते बट आई थिंक मुझे अच्छा नहीं लगता था। मतलब एक रहता नहीं कि ध्यान उसी में लगा रहता है कि हाँ अभी पकड़ना है, उसको संभालना है, ये सारी चीजें। जैसे दुपट्टे के साथ में नहीं होता है कि जब हम सूट पहनते दुपट्टा संभालना पड़ता है ये वो, इसलिए टी शर्ट और जीन्स पहन लो एकदम फ्री रहो। तो वही सारी चीजें मेरे साथ में होती थी पर्स के साथ में, मुझे कैरी करना अच्छा नहीं लगता था। बट जब मैं लास्ट टाइम जयपुर की ट्रिप पे गई हूँ, वहां पे मैंने पर्स कैरी किया, उसके बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि वाओ, मतलब पर्स का होना वाकई में एक्चुअली इंपॉर्टेंट होता है। पर्स की वजह से काफी ज्यादा हम स्टाइलिश एक्चुअली कूल लगने लगते हैं, ऐसा होता है। तो हाँ, पर्स आपके पास में देखो भाई होनी चाहिए, तो अगर नहीं है तो ले लेना। मतलब आपके पास में अच्छे अच्छे नेल कलर होने चाहिए, बहुत ही अमेजिंग से हैग आपको बताने वाली हूँ लड़कियों, ध्यान से सुन लो। कभी भी बहुत ज़्यादा महंगी महंगी वो क्या बोलते हैं नेल पॉलिश आपको नहीं लेनी है, एक्सपेंसिव नहीं लेनी है, पैसे खर्च करने नहीं है। मैं सच्ची बता रही हूँ, जितने भी नेल कलर आज तक मैंने लगाए हैं ना अपने नेल्स पे, उनका प्राइस 50 रुपीज से ज़्यादा कभी नहीं था। आप लोग इतना मेरे नेल कलर को लेके पूछते हो, इंस्टा पे भी लोग पूछते हैं, यूट्यूब पे भी, कि नेल कलर कौन सी मतलब ब्रांड की नेल पॉलिश यूज़ करती हूँ। यार मुझे नहीं पता ये कौन सी ब्रांड की रहती है, मैं लोकल मार्केट में जाती हूँ या फिर मैं अपने वहाँ आलमबाग में जाती हूँ, वहाँ की शॉप एक मेरी फिक्स है, वहाँ से मैं ये लेके आती हूँ 15, 10, 20 रुपए के नेल पॉलिश ही सारी रहती है। इन कलर आप देख लो तो मतलब इतने ज़्यादा मस्त रहते हैं ना, इतने ज़्यादा अच्छे लगते हैं कि हाथों पे लगा लो तो दिल खुश हो जाता है। नेक्स्ट आपके पास में देखो ये क्रीम होनी चाहिए, फेशियल शेविंग क्रीम। आप इसको पहले अपने स्किन पे अप्लाई कर लो, रेजर को यूज़ कर लो, अपनी स्किन को वॉश कर लो, उसके बाद में फिर से आपको यही अप्लाई करना है जिससे कि आपको इरिटेशन फील ना हो। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ ब्रशेस के बारे में। एक्चुअली बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है हमारे पास में होना, क्योंकि इससे हमारा टाइम भी बच जाता है, हमारे हाथ भी गंदे नहीं होते, और ब्रशेस से क्या होता है अच्छी तरह से चीजें जो हम अप्लाई करते हैं वो लग भी जाती है। नेक्स्ट आपके पास में ये छोटू से ऐसे टाइप का पैकेट होना चाहिए, एक्चुअली ये फेशियल वाइप्स है। फेशियल वाइप्स एक्चुअली कैरी करना चाहिए हमको, घर पे भी तो हमारे रहने चाहिए, साथ में स्पेशली जब आप कहीं बाहर जा रहे हो, बहुत ज्यादा स्वेट आ गया हो, मेकअप खराब हो गया, तो आप इससे अपने चेहरे को क्लीन कर सकते हो तुरंत के तुरंत, और पूरा आपका चेहरा क्लीन करके दे देता है। नेक्स्ट आपके पास में होनी चाहिए टंग क्लीनर। टंग क्लीनर बेसिकली हमारे पास में होना चाहिए जिससे कि आप आपके टंग को क्लीन कर सको, और वो भी गंदी रहनी नहीं चाहिए, कभी दिख जाती है टंग तो अच्छा नहीं लगता है। आप परफ्यूम जरूर यूज किया करो, और अच्छी सी ऐसी परफ्यूम जिसकी स्मेल जो हो वो माइल्ड हो, ज्यादा हार्श स्मेल वाली फ्रेग्रेंस जो होती है ना परफ्यूम होती है वो अच्छी नहीं लगती है, वो अट्रैक्टिव तो बिल्कुल नहीं लगती है। तो यस, परफ्यूम यूज करो जिससे कि बॉडी ओडर की प्रॉब्लम यू नो आपको फेस ना करनी पड़ रही, और दूसरों को आपके बॉडी की गंदी स्मेल यू नो झेलना ना पड़े। नेक्स्ट देखो, अच्छा आपके पास में हेयर पे अप्लाई करने के लिए कुछ चीज़ें देखो ऑब्वियसली होनी चाहिए, जैसे कि एक सीरम होना चाहिए जिसको आप आपके बालों पे यूज़ कर सको। और सीरम के वाकई में बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, स्ट्रेटनर यू नो हेयर ड्रायर ब्लो ड्रायर की, जब आप स्ट्रेटनर को यूज़ कर लोगे तो आपके हेयर वाकई में अच्छी तरह से स्ट्रेट हो जाते हैं और काफ़ी अच्छे लगने लगते हैं, लुक भी अच्छा आता है, तो ये आपके पास होना चाहिए। और जब स्ट्रेटनर ले लोगे धीरे धीरे, फिर आप हेयर ड्रायर ले लो तो उस पर पैसे लगा दो, मतलब इस तरीके की चीज़ है। तो बस ये था मेरा सिंपल सा वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।